सो फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी सिलेक्शन हुई है, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। तो आप लोगों ने एक मेजर हर्डल जो है उसको पार कर लिया है, लेकिन अभी भी फाइनल हर्डल जो है वो बचा हुआ है। एंड डोंट टेक इट अदरवाइज, काफी बच्चे जो होते हैं वो इंटरव्यू को लाइटली लेते हैं और बाद में इंटरव्यू के मार्क्स जो है वो काफी कुछ डिसाइड कर देते हैं। आपका एग्जाम पास करना, सिर्फ एग्जाम पास करना और एक अच्छी सर्विस लेना, उसमें बहुत फर्क डाल देती है। काफी सारे वैसे बच्चे होंगे जिनको शायद अपनी चॉइस की सर्विस ना मिले, है ना, तो फिर वो क्या करते हैं, वो इस साइकिल में कंटिन्यू रहते हैं, दोबारा से फिर नेक्स्ट के लिए ट्राई करते हैं और होता उससे कुछ नहीं है। ये जो जर्नी है ये नेवर एंडिंग हो जाती है। तो अभी तक आप लोग जो अचीव करके आए हो यहाँ पे, उसके लिए यू गाइस नीड अ ट्रीट। तो पहले तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन। एक दो लो, अपने आप को थोड़ा फ्री रखो। जिनका इंटरव्यू अभी बिल्कुल रिसेंट है, जैसे 10th of July से मेरे ख्याल से स्टार्ट हो रहा है, तो वो आपको देखना पड़ेगा कि आपके कहाँ पे लाई करते हैं, किस दिन आपका इंटरव्यू। तो जिनका तो इनिशियल ही है तो उनके पास तो बहुत कम टाइम बचेगा, ठीक है। जिनका लेट है दे विल गेट टाइम। तो इसकी स्ट्रेटजी जो है, प्रिपरेशन है, वो आप लोग एक दो दिन में स्टार्ट कर लो। एक दो दिन में शायद यूपीएससी निकाल देगी, करिकुलम पूरा निकाल देगी, किसका कौन सी शिफ्ट में है। मॉर्निंग शिफ्ट होती है, इवनिंग शिफ्ट भी होती है। देखो इंटरव्यूज का प्रोसेस ये रहता है कि दिन में लगभग लगभग 20 बच्चों का होता है। मॉर्निंग शिफ्ट जो 10 AM से लगभग लगभग 2:30 बजे तक चलती है, तो नियर अबाउट 10 स्टूडेंट्स का वहाँ पे होता है। हर एक बच्चे को 15 to 20 मिनट्स दिए जाते हैं, ठीक है। और लंच के बाद दोबारा से सेम होता है, उसमें भी 15 to 20 मिनट्स दिए जाते हैं टू ईच कैंडिडेट। और ये ऐसे ही कंटिन्यू होता है। कुछ बच्चों को लगता है कि हमारा इंटरव्यू पहले है तो क्या इससे हमें मार्क्स पता चलेंगे कि हमारे ज़्यादा मार्क्स हैं तो इसलिए हमारा डे वन है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो लास्ट डे वालों का भी सबका सिलेक्शन होता है, हमारे साथ जो हुआ था ऐसे, और डे वन वालों का भी होता है, तो ये रैंडम होता है, ठीक है। डैफ अप्लीकेशन फॉर्म जो है, इसको डिटेल्ड अप्लीकेशन फॉर्म बोला जाता है। लास्ट ईयर मेरे काफ़ी सारे वैसे नोन थे जिन्होंने डैफ गलत भरा था। गलत तो डैफ नहीं होता, लेकिन हाँ आप लोग स्मार्टली डैफ फिल कर सकते हो, ठीक है। आपने अपनी बेस्ट क्वालिटी जो है वो पोर्ट्रे करनी है। अगर कुछ गड़बड़ है तो आप उसको इग्नोर कर सकते हो, आप उसको वैसे लिख सकते हो, ठीक है। तो डैफ ये जो मैंने ग्रुप में शेयर किया हुआ है ये पिछले साल का है, याद रखना, ये नहीं जमा करा देना आप लोग प्रिंट करा के। लेकिन ये मैंने आपके साथ इसलिए शेयर किया है क्योंकि आप देखिए कि इसमें क्या क्या कॉलम्स हैं, आपको क्या क्या चीजें भरनी है। तो आप लोग अपने अपने एंड पे एक बार डैफ फॉर्म ओपन कर लीजिए, मैं भी डैफ ओपन करता हूँ, ठीक है। ये 2021 का है, तो अभी वैसा ही आपके लिए 2022 का आएगा, ठीक है। तो 2021 का है, आप ये मत फॉर्म सबमिट कर देना कोई गलती से भी, ठीक है। पर्सनल डिटेल्स आएंगी सबसे पहले, इसमें आपने अपना नाम, रोल नंबर, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, मदर टंग में काफी लोगों को रहता है, ठीक है। तो ये देख के करना, ठीक है। जैसे मेरी डोगरी है तो मैंने डोगरी लिखा, उनकी कश्मीरी होती है वो कश्मीरी लिखते हैं, ये लिखना चाहिए। अगर आपकी कोई मदर टंग है और आप उसको जानते हो तो आपको ये लिखना चाहिए, ठीक है। कई लोग मैं देखता हूँ कि वो लोग मतलब ऑल्दो डोगरा या कश्मीरी कल्चर से बिलोंग करते हैं लेकिन यहाँ सिर्फ हिंदी लिख देते हैं, तो ठीक है। अगर आपको नहीं आती तो आप लिखो, बट अगर आप लिखोगे ना तो ये आपको अपॉर्चुनिटी दे देगी इंटरव्यू में। हो सकता है अगर आपने डोगरा लिखा है तो आपको डोगरा संस्कृति पे कोई सवाल पूछ लिया जाए, और आप एक बेसिकली आप पहले ही बेट दे रहे हो एग्जामिनर को कि भाई मुझे यहाँ से कुछ पूछो, और आपने इसके रिलेटेड चीज़ें पहले ही प्रिपेयर करके रखी होंगी, ठीक है। आपने पहले ही प्रिपेयर करके रखी होंगी ये सारी चीज़ें, ठीक। तो इसको काफ़ी सोच समझ के लिखना, देख लेना, किसी की गोजरी भी हो सकती है, स्पेलिंग सही लिखनी है आपने, ठीक है, फॉर्म भरने से पहले। एड्रेस दीजिए, ठीक है, ईमेल एड्रेस दीजिए, ईमेल एड्रेस बिल्कुल सही देना, ठीक है। टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, परमानेंट पोस्टल एड्रेस, देखो अगर तो ये दोनों सेम है तो दोनों सेम लिखना, नहीं तो अलग अलग लिखना। प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ से भी क्वेश्चंस आते हैं इंटरव्यू में, प्लेस ऑफ बर्थ से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आपका प्लेस ऑफ बर्थ और करंट और परमानेंट पोस्टल एड्रेस अलग अलग है तो मान लो कि फिर आपके लिए उतने पेंडोराज बॉक्स ओपन होंगे, एक यहाँ से क्वेश्चन आएगा, एक यहाँ से क्वेश्चन आएगा और एक यहाँ से, अगर ये तीनों चीजें अलग अलग है तो आप अपने हिसाब से डिसाइड करना। आपको बेसिकली उन जगहों के बारे में पढ़ना पड़ेगा, तो कोशिश करना कि सेम रखने का तीनों को, इसको इसको और इसको, कोई चेक करने नहीं आ रहा है,
लेकिन आपने जो डॉक्यूमेंट्स में दिया होगा वही लिखना है आपने, ठीक है। तो कोशिश करना कि यहाँ जो भी लिखें तो उसको दोबारा से आप लोग रीड आउट करें, उसके उस प्लेस के बारे में आपको काफी इनडेप्थ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ आप लोग लिखेंगे, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है। डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए जैसे मेरी 10th जुलाई है, मेरा बर्थडे 10th जुलाई को आता है, जिस दिन आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, लकी मी। तो 10th जुलाई को और कौन कौन से इवेंट्स हुए हैं उस पर सवाल आते हैं, ठीक है। तो यानी कि आपने अपने बर्थडे के आसपास की जो चीजें हैं, आपका जो मंथ है उस मंथ में कौन कौन से दिन सेलिब्रेट होते हैं, जैसे इंटरनेशनल डेज वगैरह, उन पे काफी सवाल आते हैं। डेट पे आते हैं कि सेम डे कोई कोई ऐसी हस्ती, ठीक है, जो पैदा हुई हो या कुछ इवेंट हुआ हो। अच्छा, ये आपके नाम से भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे मेरा नाम तो विशाल है, जनरल है। अगर आपका नाम थोड़ा सा ऑड है, ऑड इन द सेंस कि कोई संस्कृत वर्ड है या उसका कोई मीनिंग है या कहीं रिलेट होता है, तो आपको नाम से भी सवाल पूछे जाते हैं, आपको नाम से भी आपके नाम पे सवाल आएंगे, ठीक है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम योर नेम, ठीक है। अगर आपका नेम यूनिक है, अगर आपका कॉमन नेम है तो नहीं आएगा। आगे बढ़ो, कैटेगरी, जो भी आपकी कैटेगरी होगी वो आपने यहाँ लिखना। बेटर थिंग इज कि अब जो इंटरव्यूज होते हैं, अभी जो इंटरव्यूज होते हैं, जो लास्ट ईयर भी इंटरव्यू हुए, तो जो अंदर पैनल होता है, पैनल के पास जो इंफॉर्मेशन होती है, तो आई थिंक कि दे डोंट नो अबाउट योर कैटेगरी। तो ये यूपीएससी में तो होता ही ऐसा, अभी हमारी पीएससी में भी ऐसा कर दिया गया है। ये वाला कॉलम आपने भरना है, लेकिन एग्जामिनर को ये नहीं पता होता। इन केस कुछ भी है, आपने अपनी कैटेगरी के बारे में पढ़ के रखना है, आपको पता होना चाहिए अपनी कैटेगरी के बारे में। आपकी कैटेगरी से कोई भी वैसा कोई पर्सन आगे निकला है, पॉलिटिकल फिगर, ठीक है, कोई भी इस तरीके की पर्सनैलिटी है, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट हैं तो आप लिखेंगे, अच्छे से देख लेना क्या है परसेंटेज वगैरह, टाइप ऑफ डिसेबिलिटी। नेक्स्ट इज फैमिली डिटेल्स ऑफ द कैंडिडेट। यहाँ पे आपने ढंग से अपने फादर का नाम, मदर का नाम, तो इसमें क्या होता है कि देखो जैसे आप लिख रहे हो ना नेम ऑफ फादर, तो इसमें आप रिस्पेक्ट से लिखना श्री, फिर आगे करके सिमिलरली मदर के साथ, ठीक है, श्रीमती या जो भी है, जो भी आप लिखते हो पहले स्टार्टिंग में या बिगनिंग में लिख सकते हो। डिस्ट्रिक्ट टू विच योर फादर ओरिजिनली बिलोंग्स, तो इसमें आपने लिखना अपने फादर की डिस्ट्रिक्ट। तो सेम यहाँ पे भी आप प्लेस लिखेंगे, तो ऊपर भी आपने प्लेसेस लिखी, यहाँ पे भी प्लेस लिखी, कोशिश कीजिएगा कि सेम लिखने की। इफ योर फादर इज इन सर्विस, तो उनकी कौन सी पोस्ट है, लेट्स से ही इज अ टीचर, तो जो प्रोफेशन आप यहाँ लिखोगे इसके बारे में भी आपको अवेयर होना पड़ेगा। यू शुड बी अवेयर ऑफ योर फादर्स प्रोफेशन। अगर कोई आर्मी में है किसी के पेरेंट्स, तो फिर आपको आर्मी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। मतलब जो जो यहाँ लिखोगे ना वहां से आपको प्रोबेबल क्वेश्चन आएंगे। देखो इंटरव्यू जो है ये स्पेसिफिक है टू कैंडिडेट, जो जिसका जो डैफ होगा वहीं से सवाल निकल कर आएंगे। वन साइज फिट्स अप्रोच नहीं चलती है यहाँ पर। आपका डैफ एग्जामिनर के हाथ में होगा, ठीक है, और यहीं से सवाल पुट अप होंगे। तो आप एक तरीके से जब डैफ फिल कर रहे हो तो वहीं पे आप अपना इंटरव्यू सेट कर रहे हो। जैसे पेपर सेट होगा ना आपका जो, तो वैसे तो एग्जामिनर पेपर सेट करता है, लेकिन यहाँ पे अपना पेपर आप खुद से सेट कर रहे हो, आप खुद बता रहे हो। तो कोशिश करना कि अपना पेपर आसान सेट करने की, या फिर जो आपकी पॉजिटिव चीजें हैं, जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, उनको अच्छे से लिखने की। अपने वीक पॉइंट्स को आप यहाँ पे नहीं लिखोगे, ठीक है। अगर कोई वीक पॉइंट है भी, तो टिल योर डे, जब तक आपका इंटरव्यू होगा उससे पहले आप उसे इम्प्रूव करोगे, ठीक है। इनकम लिखोगे यहाँ पे, जो भी आपकी फैमिली इनकम है वो आप यहाँ पे सही से एक्यूरेटली डिस्क्लोज करोगे। नेम ऑफ द मदर, मदर्स नेम, फिर वो कहाँ के रहने वाले हैं। जनरली फादर्स प्लेस और मदर्स प्लेस डिफरेंट होती है, ठीक है। तो अगर डिफरेंट प्लेस है तो आपको दोनों प्लेसेस के बारे में पता होने चाहिए। अगर सेम प्लेस है, जैसे दोनों जम्मू से ही हैं, ठीक है, तब तो आसान हो जाएगा। जैसे मेरे पेरेंट्स दोनों जम्मू से ही थे, तो मुझे जम्मू के बारे में ही पढ़ना पड़ा। अब जैसे लेट से किसी के पेरेंट्स उधमपुर से हैं, रियासी से हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं, तो आपको उस डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट के बारे में क्या क्या पढ़ना है, कुछ नहीं करना आपने, सिंपली जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट की गवर्नमेंट वेबसाइट है इस पे चले जाना। यहाँ पे जाके आपको सारे टैब्स को ब्राउज कर लेना। जैसे J&K देखोगे तो जम्मू कश्मीर में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं। जम्मू डिस्ट्रिक्ट में चले जाओगे तो जम्मू में सारा कुछ दिखा देगा, कितनी तहसीलें हैं, ठीक है, उन तहसीलों के अंदर क्या क्या है, कितने ब्लॉक्स हैं, कितने पंचायत्स हैं, DC कौन है, ठीक है, जितनी भी चीजें होंगी, डेमोग्राफी वगैरह आपको सब कुछ वहां से मिल जाएगा। आपकी डिस्ट्रिक्ट की लिटरेसी रेट कितनी है, आपकी डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन कितनी है, सब कुछ, ठीक है, ये सब कुछ आपको यहीं से पता चलेगा। मैं एक बुक भी पब्लिश कर रहा हूँ जम्मू कश्मीर की, ऑलमोस्ट इट्स डन, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि जल्दी ही मुझे पब्लिश करनी पड़ेगी। तो अगर प्रिंट नहीं भी हुआ होगा तो जो हैंड रिटन है मैं उसको ही पब्लिश कर दूंगा। तो इससे आपको जम्मू कश्मीर रिलेटेड सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे यहीं से।
इसमें मैं जो लेटेस्ट योजना का एडिशन आया था जम्मू कश्मीर का, उसको भी मैं कैप्चर कर रहा हूँ, जो मेन मेन पॉइंट्स है ना। अच्छा, ये साथ साथ आपने अभी डैफ के बाद मैं आपको बताऊंगा कि अभी आपने पढ़ना क्या क्या स्टार्ट करना है। तो योजना मैगजीन आई थी अभी 2022 में, मैंने इस चैनल पे भी शेयर की हुई है, जब मेन्स आप लोगों के चल रहे थे उस टाइम मैंने शेयर करी थी योजना जम्मू कश्मीर, साथ में नीति आयोग की भी जो स्टैट्स थे जम्मू कश्मीर के, वो भी मैंने इमेजेस में कैप्चर करके इसी चैनल पे शेयर किए हुए हैं। आप लोग फाइल सेक्शन में जाना, वहां से आपको मिल जाएंगे, नहीं तो मैं सारा कुछ कंपाइल करके आपके लिए लेके आऊंगा। आगे मदर्स प्रोफेशन सही से एक्यूरेटली डालना है, मदर का जो भी प्रोफेशन होगा, इफ शी इज अ हाउसवाइफ, ठीक है, जनरली हम लोग क्या बोलते हैं हाउसवाइफ, तो लिख के नहीं आना उधर हाउसवाइफ, ठीक है, वाइफ वो आपकी नहीं है, ठीक है, आपके फादर की है, इधर आप लिखना हाउस मेकर, ठीक है, ये गलती मत करना, ठीक है। बड़े सारे बच्चे पहले लिख देते हैं फिर बाद में दूसरों का देखते हैं, होता कुछ नहीं है हाउसवाइफ से भी, लेकिन जब आप मॉक देने जाओगे ना तो आपका डैफ जो भी चेक कर रहा होगा वो आपको क्रिटिसाइज करेगा इस पे कि आपने हाउसवाइफ क्यों लिखा होगा, तो फिर आप ना इंटरव्यू में जाने से पहले ही थोड़े से डरे हुए रहोगे यार कहीं इंटरव्यू में नेगेटिव इफेक्ट ना चला जाए। तो इसको ध्यान से सुनना, अगर आपके आसपास भी कोई है उसको ठीक करवा देना, अगर तो कोई प्रोफेशन है इनका, इफ शी इज अ टीचर और कुछ तो तब लिखना, अगर वो कुछ नहीं कर रहे हैं आपके मदर, इफ शी इज अ हाउसवाइफ, तो आपने इधर हाउसवाइफ नहीं लिखना है, आपने हाउस मेकर लिखना है, ठीक है, ये ध्यान रखना, इस चीज का बहुत ध्यान रखे, होगा कुछ नहीं हाउसवाइफ भी लिखोगे, लेकिन आपको इंटरव्यू में पहुंचने से पहले ही बाकी लोग जिनका आप डैप देखोगे आपको लगेगा कि मैंने गलती कर दी है, तो फिर आप घबराओगे और उससे थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट जाता है, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। फिर जो उनकी पोस्ट होगी ढंग से लिखोगे, एनुअल इनकम लिखोगे, जो भी है, डू यू हैव एनी बेसिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑब्टेन फ्रॉम अ फॉरेन इंस्टीट्यूशन, अगर किसी का फॉरेन इंस्टीट्यूशन से है, होता है हमारे साथ भी था दो तीन का, तो उसके बारे में डिस्क्लोज करोगे, जो भी यूनिवर्सिटी है उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, उसकी हिस्ट्री, अभी करंट में वहां पे कौन प्रिंसिपल है या डायरेक्टर है या डीन है, जब आपने वहां से किया उस टाइम कौन था, वो यूनिवर्सिटी कब इस्टेब्लिश हुई, कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, ये मैं अलग से आपके लिए लेके आऊंगा प्रोबेबल क्वेश्चन, लेकिन और किस जगह पे है उस जगह, जैसे मेरा एनआईटी श्रीनगर है तो श्रीनगर के बारे में मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है, करंट डायरेक्टर कौन है, अच्छा आपने जब इंजीनियरिंग करी उस टाइम कौन था, अच्छा ये इंस्टीट्यूट फॉर्म कब हुआ, अच्छा पहले एनआईटी आरईसी होता था तो आरईसी से एनआईटी कब बना, ठीक है, कितनी ब्रांचेस हैं यहाँ पे, तो इस तरीके की चीजें आपको पहले पूछते नहीं है, मुझे नहीं पूछा इन्होंने ये सब, लेकिन अगर आपके पास पहले ही इसका एक क्रक्स होगा, आप पहले ही मतलब सब कुछ पढ़ के जाओगे तो आप कॉन्फिडेंस से जाओगे और इंटरव्यू पास कराता है आपका कॉन्फिडेंस, ठीक है। फिर आगे एकेडमिक डिटेल्स ऑफ द कैंडिडेट, इसमें आपने क्या करना है, एकेडमिक डिटेल्स में ढंग से भर देना सारा कुछ, 10th और 12th जो होगा परसेंटेज, सीजीपीए, ईयर ऑफ पासिंग, सब्जेक्ट्स। अच्छा अब इसमें क्या होता है कि कॉलम छोटा सा होता है, तो बड़े सारे बच्चे मैसेज करते हैं सर ये छोटा सा कॉलम है, तो 10th में तो मेरी हिंदी, इंग्लिश और बड़ा कुछ था, साइंस, मैथ, बड़ा कुछ था। तो देखो ऐसा है कि आप लोग क्या कर सकते हो, ये तो वर्ड फॉर्मेट है ना, आप सॉरी ये है पीडीएफ फॉर्मेट, आप इसको कन्वर्ट करना वर्ड में, कैसे करोगे, ऑनलाइन डालना, सर्च करना गूगल ऑनलाइन पीडीएफ कन्वर्टर, ऑनलाइन पीडीएफ कन्वर्टर, तो उस पे इसको अपलोड करके इसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेना। जब इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करोगे ना, फिर आप इस बॉक्स को एनलार्ज कर सकते हो, इधर एंटर मारना, ये डब्बा बड़ा हो जाएगा, अगर किसी को समझ नहीं आएगा मुझे पर्सनल मैसेज कर देना, मैं बता दूंगा। ये बॉक्स आप ऊपर नीचे कर सकते हो, देयर इज अ प्रिविलेज टू चेंज दिस बॉक्स। अच्छा मुझे कैसे पता है, क्योंकि लास्ट ईयर जब हम कर रहे थे तो हमारे साथ भी ऐसा इशू आ रहा था, तो फिर क्या हुआ, फिर हमने पीएससी ऑफिस से पता किया था, तो उन्होंने बोला कि अगर कुछ ऐसा है तो आप बड़ा कर सकते हो। मैंने नहीं किया था पर्सनली बड़ा, क्योंकि मैंने छोटा छोटा लिख के इसी में अकोमोडेट कर दिया था, मैंने खुद छोटा छोटा लिख के इसी में अकोमोडेट कर लिया था यहीं पे, तो मैंने छोटा छोटा ऐसे लिख दिया था, हिंदी फिर इंग्लिश फिर जो भी है, और ट्वेल्थ में भी ऐसा, ठीक है, ट्वेल्थ में तो मैंने लिख दिया था नॉन मेडिकल। अच्छा अब एक और चीज बता दूं, क्या इसको टाइप करना है या हाथ से लिखना है, तो देखो मैंने तो हाथ से लिखा था, ठीक है, मैंने तो हैंड रिटन रखा था, लेकिन बड़े सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने टाइप भी करवाया था, टाइप वाला थोड़ा अच्छा दिख रहा था, सुंदर दिख रहा था टाइप वाला, लेकिन मैं पर्सनली प्रेफर नहीं करता टाइप वाला, क्यों, क्योंकि देखो इंटरव्यू है, एक पर्सनल टच चाहिए, तो आप अपनी वीकनेस जब एक्सपोज करते हो किसी के सामने तो वहां से आपको क्या मिलता है, एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर मिलता है, वो क्या करता है, वो आपको ट्रस्ट करने लगता है, वो आपको ट्रस्ट करता है। अगर आप अपनी हैंडराइटिंग में लिखोगे ना साफ साफ लिखना,
एक बार गंदा हो गया दोबारा लिख लेना, नहीं तो दो तीन प्रिंट करा लेना डैफ के, साफ साफ सुंदर सुंदर लिखना। अगर कुछ गलत हो गया वो पेज काट देना, वो छोड़ देना, कटिंग मत करना, वो नया पेज ले लेना। लेकिन अब अगर अपनी हैंड राइटिंग से लिखोगे ना तो एक ट्रस्ट बिल्ड होता है। अगर आपने टाइप करा लिया है ठीक है, तो एग्जामिनर को लगता है यार ये बंदा थोड़ा सा लेजी है, इसने पता नहीं कहीं से टाइप करवा लिया, ठीक है, उसको लगता है ये खुद नहीं कर रहा। जैसे हम लोग करते नहीं फॉर्म भराना होता है हमें, तो क्या करते हैं विक्रम चौक चले जाते हैं, कंप्यूटर वाले के पास चले जाते हैं, वहां से करा लेते हैं। तो अगर खुद की हैंडराइटिंग में लिखोगे तो एक ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड होता है। यही छोटी छोटी चीजें जो हैं ये आपको मार्क्स दिलाती हैं, ठीक, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। फिर आगे आ गया स्ट्रीम इन ग्रेजुएशन। अच्छा यहाँ लिखो ग्रेजुएशन में आपका क्या स्ट्रीम था, पूरा लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। ऊपर से एग्जामिनेशन पास कौन सा है, अगर आपने बैचलर्स किया है तो लिखो बैचलर्स इन इंजीनियरिंग, पूरा पूरा लिखना, ठीक है। इधर क्या करना होता है, इधर ना शॉर्टकट नहीं इस्तेमाल करने, जैसे आप ये लिखना बीटेक, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, पूरा लिखना बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी या बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग। फिर क्या है, आपको डिवीजन मिली है या परसेंटेज मिला है, जो भी सीजीपीए कितना है, ईयर ऑफ पासिंग लिखो, जो भी आपका ईयर ऑफ पासिंग है, जैसे 2021 है आपका, 22 है। सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट्स यहाँ लिखने पड़ेंगे आपको। अब जैसे इंजीनियरिंग के बच्चे पूछते हैं कि सर हमारे तो 8 सेमेस्टर हैं तो हमने तो बड़े सारे सब्जेक्ट्स पढ़े, तो यहाँ क्या लिखें। तो देखो भाई ऐसा है, जो जनरल जनरल सब्जेक्ट्स है ना, जो आपको आते हैं फ्रेश हैं, वो लिख दो ऊपर, ठीक है। कोई पढ़ेगा नहीं यहाँ पे, लेकिन अगर पढ़ लिया और पढ़ के पूछ लिया तो आपको थोड़ा बहुत उनके बारे में आना चाहिए। जो नहीं आता उसको मत लिखना, जो नहीं आता उसको मत लिखना। जैसे इंजीनियरिंग की है, लेट से कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ठीक है, तो लिख देना वहां पे क्या क्या लिखोगे, जैसे डेटा स्ट्रक्चर लिखो, फिर एल्गोरिदम लिखो, ठीक है, और कुछ जो भी आपको आता है, ठीक है, इस तरीके से लिखना, जो जो आपको आता है, ठीक, जो आएगा वही लिखना, जो नहीं आएगा या जो कम आता है वो मत लिखना। वो चेक नहीं करने वाले कि आपने कहाँ से डिग्री की है, कहाँ से किया गया। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लिए देखो थोड़ा सा गड़बड़ है, क्यों, क्योंकि लास्ट टाइम हमारे इंटरव्यू के बाद जब हमें यहाँ गवर्नर हाउस बुलाया था तो वहां पे मेरी थोड़ा सा इंटरेक्शन हुआ था चेयरमैन साहब से, तो उन्होंने मुझे बोला था कि जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं तो ये इनको जब भी इंजीनियरिंग के सवाल पूछो तो ये जवाब नहीं दे पाते, ठीक है। तो इस बार मुझे लगता है कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो फ्रेशर हैं चाहे 1-2 साल एक्सपीरियंस के साथ हैं, इनको काफी ग्रिल किया जाएगा दोबारा से इनकी जो भी एकेडमिक्स था, ठीक है। अब आपने इंजीनियरिंग तो पढ़ी नहीं है क्योंकि आप सिविल सर्विसेज के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जीएस वीएस पढ़ रहे हो, तो इंजीनियरिंग के टच में नहीं हो आप, तो आपको इंजीनियरिंग देखना पड़ेगा थोड़ा सा। सवाल वो पूछेंगे आपको कि बताओ आपका इंजीनियरिंग में फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, उसी में से पूछेंगे, खुद नहीं पूछेंगे आपको, आपको ही बोलेंगे बताओ आपको क्या पसंद है, जो भी है, चाहे आप इंजीनियरिंग से हो चाहे मेडिकल से हो चाहे जो भी जिसमें भी किया, पूछेंगे बताओ क्या आता है, जो बताओगे उसी में से पूछेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा तो आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा इंडेक्स देखना, अपनी बुक्स निकालना जो फेवरेट हैं या जिनके बारे में थोड़ा सा पता है, इंडेक्स विंडेक्स देखना, उनके बारे में थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दो आज से, ठीक है। ये पूछते हैं, ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और मेरा इंटरेक्शन हुआ था उनसे, तो उन्होंने मेरे से डिस्क्लोज किया था जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। पूरा फिल करोगे, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन जैसे है तो इसमें पूरा लिखोगे, नेशनल लिखोगे, NIT नहीं लिखोगे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, फिर आगे श्रीनगर, ठीक। जगह कम है तो इसको डब्बा बड़ा कर सकते हो आप, वर्ड में कन्वर्ट करके बॉक्स बड़ा कर लो, ठीक है। बोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे हमारा तो सेम ही है, डीम्ड यूनिवर्सिटी थी तो यही सेम आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर आगे हायर एजुकेशन, अगर इसके अलावा आपने कोई और एग्जामिनेशन पास किए हैं PG और इक्विवेलेंट तो उनको भी ऐसे ही लिखोगे। याद रखना सब्जेक्ट्स वो लिखना जो आपको आते हो, ठीक है, जो आते होंगे वो ही लिखना, ठीक है। बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि 10 सब्जेक्ट भर दो इस डब्बे में, 3-4 सब्जेक्ट लिखो, लेकिन वैसे लिखना कि जिससे अगर कोई भी एग्जामिनर पिक करके आपको कुछ पूछ ले तो आप लिख सको। आगे एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, इन केस आप कहीं जॉब कर रहे हैं, इन केस यू आर वर्किंग, तो फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे जाओगे, ठीक है, और यहाँ पे पूरा जो भी आपकी डेजिग्नेशन वगैरह है, मंथली इनकम जितनी है, परमानेंट हो एडहॉक हो, कब से कब तक लगे हो, डेजिग्नेशन क्या है, एड्रेस क्या है, अगर आपने प्राइवेट करी है या आपने गवर्नमेंट करी है, ये बहुत मेजर रोल प्ले करेगा, याद रखना, ये बहुत मेजर रोल प्ले करेगा, याद रखना, क्योंकि यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, मोस्ट ऑफ योर इंटरव्यू विल बी बेस्ड ऑन दिस। मेरा इसी पे हुआ था, मेरे साथ साथ मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं जिनके 180 प्लस मार्क्स हैं उनको इसी पे ग्रिल किया गया था। ये बेसिकली वो सीधे यहाँ आते हैं, उनको क्या चाहिए, उनको एक ब्यूरोक्रेट चाहिए जो ऑफिस में काम करे, तो उनको काम किया हुआ बंदा जो है वो ज्यादा चाहिए होता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उनके लिए। तो वो आके देखते हैं कि जिस बंदे ने काम किया है तो इसने काम क्या सच में काम किया है या ऐसे फर्लों में इसने ज्वाइन किया था, नौकरी शोकरी की नहीं, आ गया वापस और तैयारी कर रहा था UPSC की। तो यहाँ से आपको काफी इन डेप्थ क्वेश्चन आते हैं, तो इसको काफी सोच समझ के लिखना, ठीक है।
और इसमें कोशिश करना कि अगर आपने एक एक दो दो महीने की कहीं नौकरी करी हुई है उसको मत लिखना। और अगर बहुत गैप आ रहा है बीच में, जैसे मान लो आपने बहुत साल पहले एक नौकरी करी थी 2 महीने की, ठीक है, तो उसके बाद करी ही नहीं, तो ये लिख सकते हो 2 महीने के बाद कि मैं यूपीएससी की तैयारी, मतलब आपको ना उसको बताना आना पड़ेगा किस वजह से मैंने छोड़ी। मान लो आपने 3 महीने नौकरी पहले की, फिर छोड़ दी, फिर 1 साल के बाद दोबारा 2 महीने की, फिर छोड़ दी, फिर 3 महीने की, फिर छोड़ दी, फिर अब आ गए हो, तो देखो इससे आपका एक नेगेटिव फैक्टर जाता है। वो बोलते हैं कि यार ये एक जगह सेटिस्फाई नहीं होता, पहले 3 महीने करी अब छोड़ दी, अब 2 महीने की अब छोड़ दी, तो इससे अच्छा कुछ भी मत लिखो। बोलो भाई मैं सीधे कॉलेज से निकला, तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, बोलेंगे भाई 4 साल हो गए क्यों नहीं सिलेक्शन हुई, ना सर तैयारी कर रहा था, नहीं हुई, कोई आपको मना थोड़ी कर सकता, ठीक है। लेकिन इस तरीके का अगर लिखोगे तो वो नेगेटिव चीज शो करेगा। हाँ, अगर 1 साल 2 साल की है उसके बाद छोड़ के तैयारी कर रहे हो उसको लिखो। या तो एक काम करना, ये जो भी लिखोगे ना भाई, फॉर्म फिल करने से पहले मुझे चेक करा लेना, मुझे चेक करा लेना, ऑनलाइन भेज देना। नहीं तो गांधीनगर में भी हमने ऑफिस खोला है पेस का, रूपनगर में भी लाइब्रेरी खोली है, यहाँ पे आके आप मुझे चेक करा सकते हो। चेक करा के ही सबमिट करना डैफ, ये इसी पे है पूरा आपका इंटरव्यू, डैफ ही डिसाइड करेगा आपकी सिलेक्शन। फिर आगे यूनिवर्सिटी स्टेट, अगर आपको कुछ मिला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अगर आपको प्राइज मेडल स्कॉलरशिप कुछ भी मिला वो लिख दो इसमें। लेकिन ऐसा नहीं लिखना कि 4th क्लास में मुझे क्लास कॉम्पिटिशन में ये मिला था, या 10th क्लास में मुझे ये मिला था, ठीक है। थोड़ा ढंग का लिखना, जैसे कॉलेज लेवल पे अगर आपको कुछ मिला है उस तरीके से लिखो। अगर नहीं मिला खाली छोड़ दो, अगर नहीं मिला है खाली छोड़ दो, उसको खाली छोड़ दो, आपको ऐसी टेंशन वाली बात नहीं। स्पोर्ट्स अगर आपने किया है, नहीं किया छोड़ दो। स्पोर्ट्स आप जो भी लिखोगे, जैसे क्रिकेट लिखते हो तो यहाँ से सवाल पूछे जाएंगे और बड़े खतरनाक सवाल पूछे जाएंगे। यहाँ तभी लिखना अगर आपके पास टाइम है उसको प्रिपेयर करने का, अगर आपके पास टाइम नहीं है प्रिपेयर करने का उसको खाली छोड़ दो। कोई नहीं आपके पीछे आएगा कि भाई तुम स्पोर्ट्स क्यों नहीं खेलते हो, ठीक है, मैंने नहीं लिखा था। फिर आगे पोजीशन ऑफ डिस्टिंक्शन लीडरशिप हेल्ड इन कॉलेज, अगर आपने कॉलेज में कुछ किया है तो लिखो, नहीं किया तो मत लिखो। जैसे मैंने क्या किया था कि हमारा, हमने कॉलेज में एक ग्रुप बनाया था हैकर हैट्स, तो ये साइबर सिक्योरिटी से डील करने के लिए हमने एक ग्रुप बनाया था, तो हमने लिखा था कि मैं इसको फाउंड किया था और इसके बारे में हम लोग वर्कशॉप्स वगैरह लगाते थे। एक्स्ट्रा करिकुलर सबसे ज्यादा जिसमें बच्चों को डाउट होता है, डाउट क्या परेशानी होती है, सबको होती है, हमें भी होती थी, वो है ये वाला कॉलम, अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। यहाँ पे आती हैं आपकी हॉबीज वगैरह, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। एक्चुअल में वो पूछे ना पूछे, लेकिन आप जहाँ मॉक टेस्ट दोगे ना वो आपको इसी पे ग्रिल कर करके आपका कॉन्फिडेंस बहुत कम कर देते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ से सवाल सिर्फ उन्हीं को पूछा जाता है जिनका ऊपर से अभी तक कोई भी उनको ढंग की चीज ना, देखो उन्होंने 15 मिनट आपको एंटरटेन करना ही करना है। 15 मिनट में अगर अभी तक ऊपर से जब हम आए हैं कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फिर आपने जो जॉब करी है, आपका कॉलेज, आपने कॉलेज में क्या क्या किया, अगर तो आपने उनको वहीं पर एंटरटेन कर दिया, वो खुश हो गए वहीं से, तो वो यहाँ आएंगे ही नहीं। दूसरा, यहाँ पे वो तब आएंगे अगर जब आप इनिशियली, आप जैसे ही एंटर करोगे ना, आपको वो बिठाएंगे और बोलेंगे इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो जब आपने अपना इंट्रोडक्शन देना, आप अपना नाम बताओगे, फिर आप अपने क्या आपने किया, आपने पढ़ाई क्या करी है, अगर आपने जॉब किया वो बताओगे, फिर आपकी हॉबी क्या है, आपने क्या क्या किया, जो आप उसमें बोलोगे ना इंट्रोडक्शन में, कई बार वो टैफ देखते भी नहीं है, टैफ उन्होंने ऐसे नीचे रखे होते हैं और बड़े सारे कैंडिडेट्स आ रहे होते हैं, उन्हीं से एंटरटेन कर रहे, मतलब क्वेश्चन से क्वेश्चन निकल के आ जाता है। अगर आप खुद ही बोल रहे हो स्टार्टिंग में कि मेरी इंटरेस्ट ये है, मेरी हॉबीज ये हैं, फिर आपको वहां से सवाल पूछेंगे, वो नोट कर लेंगे। कई दफा अगर वो आपसे बोर हो रहे हैं तो फिर एक एक चीज वो ढूंढ के निकालेंगे, फिर ये ढूंढ के हॉबी पूछेंगे। अगर आपका यहाँ पे पॉजिटिव फैक्टर है, अगर तो आपकी हॉबी है, आप सच में करते हो, आपके इंटरेस्ट हैं और उसके बारे में आपने पढ़ा भी है, करना जरूरी नहीं है उसके बारे में पढ़ना है, फिर तो आप मतलब एग्जामिनर को खुद उधर लेके जाओ, खुद किस डायरेक्शन में लेके जाओगे कि हाँ भाई मुझे, मेरी ये हॉबी है, मेरा ये इंटरेस्ट है, पूछ मुझे यहाँ से क्वेश्चन, क्या पूछ सकते हो आप। तो फिर आपने पहले ही पढ़ के डायरेक्टली आपने जो इंट्रोडक्शन होगा वहीं पे बोल देना कि सर दीज आर माय इंटरेस्ट, दीज आर माय हॉबीज, ठीक है, फिर आपको यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा। अच्छा, अब अगर मान लो कि किसी की हॉबी है ही नहीं कोई भी, ठीक है, किसी की कोई हॉबी नहीं है, आप लोग तैयारी पूरी आपने तैयारी में लगे हुए और कोई हॉबी है नहीं, तो भाई फिर ढंग की कोई भी लिख लेना। जैसे मैंने लिखी थी वॉचिंग वेब सीरीज, वॉचिंग वेब सीरीज। अब देखो वॉचिंग वेब सीरीज काफी ओपन एंडेड है, ये लिखोगे फंस जाओगे, क्योंकि बोलेंगे बताओ कौन सी, खुद से पूछ लेंगे, बोलेंगे मैंने पंचायत वेब सीरीज देखी है तो बताओ इसमें करेक्टर कौन है, किस, कौन डायरेक्टर है, कौन प्रोड्यूसर है, पूछते हैं ऐसे। तो आप क्या करो, थोड़ा सा ट्वीक करो, यहाँ पे इंटेलिजेंटली स्मार्टली प्ले करो, यहाँ लिखो वॉचिंग कौन सी, जो आपको लगता है, जैसे वॉचिंग साईफाई वेब सीरीज, वॉचिंग कार्टून्स, वॉचिंग जो आपको बढ़िया लगे, फिक्शनल, यानी कि यू आर नैरोइंग डाउन योर स्कोप।
वो आपको पूछेगा बताओ भाई साईफाई होता क्या, बताओ साईफाई, तो साईफाई पढ़ लेना, या वो आपको पूछेंगे फिक्शनल क्या होता है तो फिक्शनल पढ़ लेना, यानी कि स्कोप नैरो करके लिखना, बहुत ब्रॉड ओपन एंडेड मत छोड़ के आ जाना, अभी पकड़ लेंगे वो, कुछ ऐसा पूछ लेंगे जो आपको नहीं आता होगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगर आपने इसको थोड़ा सा क्या करके रखा हुआ है, नैरो डाउन करके रखा हुआ है, तो आपको हेल्प हो जाएगी। अगर किसी को नहीं पता चल रहा है क्या लिखना है, मुझे पूछ लेना फॉर्म सबमिट कराने से पहले, मुझे ये वाला कॉलम जरूर दिखा देना, और फिर इसके बारे में जैसे लिखोगे ना, तो फिर गूगल करके भी देख लेना, व्हाट आर दी प्रोबेबल क्वेश्चंस आस्क्ड इन यूपी यूपीएससी हॉबीज और इंटरेस्ट के लिए। अच्छा एक और चीज, टेलीग्राम पे सर्च करना आप लोग, एक ना यूपीएससी इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट्स करके चैनल होता है, यूपीएससी इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट्स, मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगा इसमें, और केएस का भी है, केएस वाला भी है, लेकिन यूपीएससी वाला जरूर देखना। इसमें जब आप जाओगे ना यूपीएससी इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट्स, ये चैनल ज्वाइन कर लेना, दो चार चैनल आएंगे, इसमें अपने रिलेटेड देखना, मतलब ऐसा डैफ देखना जिससे आपसे मिलते जुलते हैं, जैसे लेट से आपका एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल, तो एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल वालों से देखना कैसे सवाल पूछे गए, ठीक है। कुछ सब्जेक्ट स्पेसिफिक होंगे, कुछ बिहेवियर स्पेसिफिक होंगे, बिहेवियर जैसे हॉबी, जैसे मान लो आपने हॉबी भरी क्रिकेट, तो उस इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट्स में देखना कि जिन्होंने क्रिकेट हॉबी पूछी है उनको क्या क्या सवाल पूछे गए, फिर देखना क्या आपको वैसे सवाल आते हैं, अगर आते हैं तो ही क्रिकेट लिखना, ये नहीं है कि बचपन में गली में क्रिकेट खेला हुआ है और अब पेपर में लिख के आ गए क्रिकेट, वो सवाल ऐसे पूछेंगे हिल जाओगे, पता भी नहीं चलेगा, ठीक। तो इसको पहले देखना, यूपीएससी इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट्स टेलीग्राम चैनल सर्च करना, खुद आ जाएंगे, चार पांच चैनल होंगे, ज्वाइन कर लेना सारे के सारे, और उसमें क्या करना, उसमें चेक करना, उसमें उन्होंने दिया होता है कि किस इंटरव्यू का, किस एस्पिरेंट का इंटरव्यू है, उसकी हॉबी क्या थी, उसका ऑप्शनल क्या था, उसने किस कॉलेज से किया, क्या वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का, क्या वो मेडिकल बैकग्राउंड का, ये आपको बने बनाए मिल जाएंगे, बच्चों ने पोस्ट किए होते हैं, बड़े सारे ग्रुप्स हैं जो डालते हैं, बहुत हेल्प मिलती है हमें भी, मैंने भी यहाँ से काफी कुछ किया। अच्छा आगे, वेदर यू हैव बीन सिलेक्टेड और नॉट, ठीक है, वेदर यू हैव बीन सिलेक्टेड और नॉट, तो अगर आप कभी सिलेक्ट हुए हैं तो लिख लो, नहीं हुए तो मत लिखो। प्रीवियस एग्जामिनेशन डिटेल, देखो अगर आपने कोई भी एग्जाम दिया है यूपीएससी का तो यहाँ लिखो, ठीक है, अगर आप यूपीएससी में पीरियड हो तो लिख दो, इफ यस हाउ मेनी टाइम, अगर हुए तो कितनी दफा, एक दफा, दो दफा, तीन दफा, फिर उसके बाद जे एंड के वाला। अब यहाँ आप जैसे हमारे में 18 है तो इसके बाद आपके में 21 वाला भी आ जाएगा, ठीक है, तो आप कौन कौन सा अटेम्प्ट किया, जो अटेम्प्ट किया उसको लगा देना, ठीक। तो ये इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये आपने भरना है, भर के लास्ट में इधर साइन करना है, और साइन करके इसकी दो कॉपियां करा देना, दो के आपको ज्यादा ही कॉपियां करानी पड़ेंगी, तीन चार कॉपियां कराना, क्योंकि जहां जहां आप मॉक दोगे वो भी आपसे ये मांगेंगे तो उनको भी देने पड़ेंगे, ठीक है। फिर एक आपने पीएससी में सबमिट करनी है, पीएससी ऑफिस जाके, ठीक है, और एक आपके पास खुद से भी होनी चाहिए, खुद के पास भी तो होनी चाहिए ना, पेपर से पहले आप खुद इसको रिवाइज करोगे, इसको देखोगे, अच्छा मैंने ये चीज लिखी हुई है तो मुझे यहाँ से क्वेश्चन जो है ये पूछा जा सकता है, ठीक है। इधर आप अपना फोटो चिपकाओगे, फोटो लेटेस्ट चिपकाना, फोटो लेटेस्ट चिपकाना, और फोटो थोड़ा सा ऐसा चिपकाना कि लगो कि अफसर हो, ऐसे दांत निकाल के मत चिपका देना। पिछली बार हमने देखे थे, पिछली बार जब हमने मॉक लिए थे तो हमने देखे थे बड़े सारे बच्चों ने ना ऐसे छोटा सा ऐसे घर का फोटो लगा दिया हुआ ऐसे कैजुअल्स में, तो उनको बोला यार ये क्या लगाया हुआ, तो बोलते सर ये नहीं, ये हमने यहाँ मॉक टेस्ट में फॉर्म देना था तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन वो नहीं था हमारे पास, फोटो नहीं था, इसलिए यहाँ ये वाला चिपकाया हुआ है, पीएससी में ठीक चिपकाया हुआ, तो पीएससी में ठीक ही चिपकाना है आपने, तो काम करना उसी को स्कैन करके रख लेना अपने फोन में और उसी के प्रिंट निकाल देना। बार बार क्यों फोटो चिपकाना है आपने, एक जो पीएससी में सबमिट करवाओगे उसको स्कैन करके उसका प्रिंट निकलवा लेना, तीन चार वो रख लेना, ठीक है। से क्या करोगे, जो मैंने आपको डैफ बताया पहले तो इस पे काम करो, ठीक है, इसी से आपके क्वेश्चन निकल के आ जाएंगे सारे के सारे, और साथ साथ जो करना होगा वो मैं आपको बताता जाऊंगा। अगर किसी का कोई स्पेसिफिक डाउट है तो वो पूछो, अगर किसी का कोई स्पेसिफिक डाउट है तो वो आप लोग पूछो। इसका गाइडेंस प्रोग्राम हम स्टार्ट करेंगे, इसका गाइडेंस प्रोग्राम हम लोग स्टार्ट करेंगे, ऑनलाइन क्लासेस रखेंगे और आपको थोड़ा सा गाइड कर देंगे क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना। एक मैंने टेक्स्ट ऑलरेडी कल की परसों डाला था जब हमें पता चल गया था कि रिजल्ट आने वाला है, बट थोड़ा सा लेट हो गया। जम्मू कश्मीर स्पेसिफिक थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है, जम्मू कश्मीर की न्यूज, मुझे आज भी बच्चे टेक्स्ट करके पूछ रहे थे कि सर न्यूज का कोई सोर्स है। देखो न्यूज के बहुत अच्छे सोर्स है, तो एक तो डेली एक्सेलशियर, ठीक है, और दूसरा आपका ग्रेटर कश्मीर। न्यूज़पेपर खरीदना नहीं है, कुछ नहीं करना है, सीधे उनकी वेबसाइट्स खोलनी है, दिन में एक बार खोलनी है, उनकी वेबसाइट्स में एडिटोरियल्स पे जाना है, उनकी वेबसाइट्स में एडिटोरियल्स पे जाना है। एक नोटबुक ले लेना इस तरीके की, जैसे ये मेरी इंटरव्यू की नोटबुक थी, ठीक है, तो इसमें मैंने काफी सारी चीजें जॉट डाउन करी थी, ठीक है, जो भी न्यूज पढ़ोगे उसको इस फॉर्मेट में इसमें लिखते जाना,
काफी सारी चीजें मैं विद टाइम आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपको कैप्चर करनी है। ग्रेटर कश्मीर और दूसरा डेली एक्सेलसियर, उसको आपने करना क्या है, उनके जो एडिटोरियल्स हैं वो पढ़ने, ऐसे न्यूज इतनी इतनी वो नहीं होती, एडिटोरियल्स पढ़ते जाना, ठीक है, और एडिटोरियल्स पढ़ के जो फैक्ट्स दिखेंगे आपको, जो अच्छी चीजें दिखेंगी उनको लिख लेना, खासकर जैसे लैंड रिफॉर्म्स या अभी 2019 यानी कि आफ्टर 370 एब्रोगेशन हमारे यहाँ क्या क्या चेंजेस हुए, क्या क्या प्रोडक्टिव हुआ, क्या फायदेमंद क्या हुआ, पॉलिटिकल एंड, इकोनॉमिक एंड, टूरिज्म एंड, जैसे अभी G20 चल रहा है तो G20 से मैक्सिमम सवाल आएंगे, G20 का थीम क्या है, अभी कश्मीर में टूरिज्म वाला कराया गया, कौन आया था, वो साउथ से एक्टर आया था, अच्छा उसकी कोई मूवी बताओ, आपने कौन सी मूवी देखी, इंटरव्यू में कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अगेन मुझे लगता है कि मतलब आपके अभी डाउट्स आएंगे उसके बाद ज्यादा अच्छा होगा, हम एक ग्रुप बना देंगे, ठीक है, जिन जिन की सिलेक्शन हुई है आप सबने मुझे मैसेजेस तो किए हैं, ठीक है, तो मैं अभी ग्रुप बना दूंगा, आप लोग उसको ज्वाइन कीजिए और कीप इन टच, हम आपको गाइड करते रहेंगे लास्ट मोमेंट तक। और ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, धीरे धीरे हम डेली थोड़ा थोड़ा वो करेंगे, स्टार्टिंग विद योर डैफ डैफ से, और दूसरा ड्रेस, तो ड्रेस स्टिचिंग के लिए दे दो, ड्रेस स्टिचिंग के लिए दे दो, ठीक है। ड्रेस कौन सा होगा, जैसे लड़के जो है उनको सूट पहनना पड़ेगा, ठीक है, सूट पहनना पड़ेगा, जरूरी नहीं है सूट, कुछ लोग तो शर्ट्स में भी गए हैं, सूट्स पहनने पड़ेंगे, सूट कैसा पहनना है आपने, पेंट कोट वैसा लेना जो ज्यादा शाइनी ना हो, इंटरव्यू के लिए हो, कंफर्टेबल हो, अंदर शर्ट और टाई वो आप लोग बाद में दे सकते हो। गर्ल्स जनरली हमारे साथ जो थे, देखो सलवार कमीज में भी थी गर्ल्स, ठीक है, और साड़ी में भी थी, आइदर सलवार कमीज और साड़ी, कलर उसका कैसा था, ऐसे खाकी कलर सा नहीं होता, लाइट एकदम क्रीम कलर का, वैसे कलर की गर्ल्स ने ड्रेस पहनी हुई थी, और बॉयज ने मोस्टली नेवी ब्लू ग्रे यही सूट पहना था, नेवी ब्लू और ग्रे ऐसा ही कुछ कुछ, ठीक है। बियर्ड अगर कोई रखता है तो उसको अच्छे से ट्रिम करके जाए, नहीं तो क्लीन शेव इज बेटर, मैं क्लीन शेव ही गया था, ठीक है। तो ठीक है, हम आपके क्वेश्चंस धीरे धीरे लेंगे, तो आज डे वन ही था, काफी बच्चे टेक्स्ट कर रहे थे तो मुझे लगा कि ठीक है, मैं मुझे थोड़ी सी आपकी गाइडेंस कर देनी चाहिए, तो प्रॉपर गाइडेंस प्रोग्राम हम चलाएंगे। अगर आप में से कोई मेरे से मिलना चाहता है पर्सनली तो रूपनगर पेस लाइब्रेरी है, यहाँ पे मैं आपको मिल जाऊंगा सुबह शाम, गांधीनगर में भी हमारा ऑफिस है, गांधीनगर में हमने पेस इंस्टीट्यूट खोला है, उसका ऑफिस हमने वहाँ पे खोला हुआ, तो वी स्टार्ट इंटरव्यू मॉक इंटरव्यूज ओवर देयर एज वेल, गाइडेंस के लिए भी कुछ सेशंस रखेंगे। आपको किसी को मिलना हो आप पर्सनली मेरे से कॉन्टेक्ट करके मेरे से मिल सकते हो, डैफ जरूर मुझे चेक करा देना फॉर्म फिल करने से पहले, पर्सनली आ सकते हो तो वेरी गुड, नहीं आ सकते तो लिख के मुझे भेज देना, एक बार चेक करवा लेना जरूर, ठीक है, क्योंकि वो वहीं से आपका पेपर सेट होगा जो आपको पूछा जाएगा। तो नेक्स्ट सेशन मैं एक और ले लूंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि मुझे क्या क्या पूछा गया था इंटरव्यू में, ठीक है, तो अभी तक मैंने वो शायद ऑनलाइन कहीं डाला नहीं, ठीक है गाइस, अगर किसी को कुछ पूछना नहीं है तो वी लैंड इट नाउ, थैंक्स अ लॉट, बाय, हैव अ गुड डे।